नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से लेके आए दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, यानी कि HPCL की तरफ से, जिसमें कि अलग अलग पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आप सभी भारतीय इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से आते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड से जो है आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है वो सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगा, कौन कौन कर सकता है वो भी वीडियो में बताऊंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के बारे में दोस्तों अब जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे 1/9/2019 से आवेदन शुरू हो रहे हैं, जो कि चलेंगे 30/9/2019 तक। इन्हीं 30 दिनों में आपको जो है इसके लिए आवेदन करना है ऑनलाइन मोड से। लिंक सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ दी पोस्ट। यहाँ पे दोस्तों पहली जो रिक्रूटमेंट है वो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। डिप्लोमा करा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आवेदन कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, यानी कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मेंटेनेंस टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन का, या कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, या अकेला इंस्ट्रूमेंटेशन का करा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का करा हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल वाले आवेदन कर सकते हैं। लैब एनालिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों बीएससी अगर आपने करी है मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर एमएससी वाले अप्लाई करना चाहते हैं केमिस्ट्री वाले, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों अगर आप जो है वो साइंस ग्रेजुएट हैं, 40% मार्क्स के साथ साथ में एचएमवी लाइसेंस है आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दो पोस्टों के लिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 4 हैं, दो जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है और 7 जो है वो ओबीसी के लिए है और 4 एससी के लिए है। उसी तरह दोस्तों ये 3, 4 और 5 नंबर वाली पोस्टों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 और 12 हैं। यहाँ पे एक एक जो है ये बटी हुई है, ये देख सकते हो। अनरिजर्व के लिए 9 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन आपका कैसा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद जो है वो आपका टेक्निकल टेस्ट होगा, प्रोफेशनल नॉलेज चेक करी जाएगी और इसी के थ्रू आपकी सिलेक्शन होगी। जो आपके सेंटर्स रहेंगे वो रहेंगे मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, और इसके अलावा कोई भी सेंटर नहीं होगा। बाकी अगर होगा भी तो वो जो है उनका अपना डिसीजन होगा, वही जो है वो फाइनल होगा। बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो यहाँ पे 40,000 पर मंथ जो है आपको सैलरी मिलेगी। बाकी किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। यहाँ पे दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल से आते, ओबीसी से आते, तो 590 यानी कि 600 के आसपास आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर जो है आप आते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो आपको किसी भी तरह की फीस नहीं देनी है, आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और जिन लोगों को फीस देनी है वो या तो ऑनलाइन मोड से जो है वो फीस पे कर सकते हैं, या उनको जो है वो एसबीआई चालान के थ्रू जो है वो फीस पे करनी है। बात कर लेते हैं एज की। तो 18 से लेके 25 साल तक दोस्तों एज रखी गई है। 1/9/2019 तक आपकी एज जो है वो 18 से लेके 25 के बीच में होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। तो यही लिखा गया दोस्तों नोटिफिकेशन में। लिंक ऑनलाइन का अभी तक जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि 1 तारीख को जो है आवेदन शुरू हो रहे हैं। लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 1 तारीख से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।